राम राम भाई सारे ने आ जाए हमारा पीजीआई का 75वां दिन और पहुंच गए पीजीआई। मित्र मेरी गैल ढेकली मारता हुआ पहुंच गया भाई। हम मतलब पीजीआई रुके थे 2 दिन पहले, राजन मेरे साथ था, उसके बाद हम घर चल गए थे। कल मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पाँव बिल्कुल ऐसा था कि एक्सीलेटर दबाने को भी दर्द हो रही थी। तो कल मैं घर गया था, घर पे रेस्ट करके रात को, सुबह फिर आ गए मैं और राजन। और आज प्रशांत भी आया हुआ, अभी कंबल उड़ा हुआ था इसने गर्मी को गर्मी मारती है। ठीक है, आज फिर पीजीआई आया सामान वगैरह लेके, अब मैं तो यहीं रुकूंगा, इनको भेज दूंगा बेचारों को यार। ये कहा मेरे साथ नहीं है, सरसों का तेल लगा के आया हुआ सिर में सिर गर्म हो रहा, जब सरसों का तेल लगाया ना तो अंदर को सिर तल रहा पूरा हमारा, यहाँ से वो तेल की वो को। बाकी अब चल रहे अंदर पीजीआई को, वीडियो कल बनाई थी, वीडियो एक तो अपलोड कर दी थी, आज एक अपलोड कर रहा था कि वीडियो डाल देता हूँ, वो अपलोड ही नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम आई हुई शायद यूट्यूब पे, मेल डाल लूँगा यूट्यूब वालों को। पहले वो नहीं आ रहे थे मेरे चैनल पे 240 और 480 kbps में, इमेज नहीं शो हो रही थी, मतलब क्या बोलते वीडियो नहीं शो हो रही थी, अभी ये होगी प्रॉब्लम। मैंने देखा तो बोला है कि मेल डालनी पड़ेगी, मेल डालूंगा देखूंगा फिर करता हूँ, अभी पीजीआई जाके मिलता हूँ। ये है जी देख लो पीजीआई, सुबह के बज रहे 5 और कल टाइम नहीं मिला हमारे को ब्लॉग करने का, आते ही सीधा भाग दौड़ पापा की क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मतलब बेहोश हो गए थे पापा। तो मम्मी भी डर गए थे, तो संभालना सारा, अब ठीक है तो फिर टाइम मिला थोड़ा तो कर रहा हूँ आपके लिए व्लॉगिंग। वीडियो अपलोड करने में बहुत दिन लग जाते हैं, मतलब बीच में यहाँ पे वाईफाई नहीं मिल रहा है और मैं यहीं पे हूँ, बट कोशिश करूँगा फ्रेंड को दे के अपनी आईडी वीडियोस वगैरह, वो कर दे घर जा के। मिलते हैं, गाड़ी में सोने जा रहा हूँ, पूरी रात सो नहीं पाए थे ना, तो सुबह जब तक मैंने सोचा धूप नहीं आती तब तक गाड़ी में सो जाता हूँ जाके, तो 7:30 बजे जाऊँगा वापस, खाना वगैरह लेके फ्रूट वगैरह पापा को, मैं तब तक थोड़ा सो लेता हूँ यार, पूरी रात नहीं सो पाया, खटमल है साले पीजीआई में, और वैसे भी पापा के दर्द होती तो सो नहीं पाए थे। पहुँच लिए जी गाड़ी में वापस, आप सोच रहे होंगे कि वही वीडियो चल रही है, ये वो पिछले वाली दूसरी अलग क्लिप थी, ये अलग क्लिप, और मैं व्लॉग कर रहा हूँ पूरे 1 या 2 दिन बाद कर रहा हूँ व्लॉग, मतलब भूल भी गया कब किया था, क्योंकि जो आपने लास्ट अभी क्लिप देखी वो मैं गया उसके बाद वापस पापा के पास, पापा की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्कूल से बहुत ज़्यादा, फिर मैं 2 दिन तो मेरे ऐसे निकले, मतलब सुबह 5 बजे से रात को मेरे को 2:30 या 3 बज रहा था डेली, तो कभी इधर कभी उधर टेस्ट करवाने में, पता होगा जो बंदों को पीजीआई का उसको सब पता होगा, बाकी बाहर वालों को तो ये लगेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं होता, पर पीजीआई में ऐसी यार डे नाइट है, तो रात को कभी सिटी स्कैन 5 बार पता नहीं 4-5 बार इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया वो करवा के, तो 2 दिन बाद शायद आज, हाँ फिर आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, मेरी तो हालत मतलब बहुत ख़राब है, अगर मैं दिखाऊँ ना पाँव, मेरे पाँव में स्वेलिंग कैसी है, तो ये देखो साइड से दिखना ही बंद हो गया, और ये देखो छाले, तो ऐसी हालत हो चुकी है मेरे दोनों पाँव की, एक दूसरे पाँव तो नीचे भी छाल लिया, निचली साइड ना चल चल के, और इतने मसल खींच के ना काफ्स के लंगड़ा लंगड़ा चल रहा हूँ। आज थोड़ा आराम मिला है क्योंकि रिलेटिव्स पहुँच गया, मतलब मेरे मामू आए हैं और मेरी बू आए हैं, तो मामू वहाँ रुके हैं, और आज पापा ठीक भी है थोड़े, उनके पेन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल तो नहीं है, मतलब है कम है पर बहुत कम है, आराम से सो जाते हैं वो। तो अभी आज का दिन मैं जल्दी फ्री हो गया, मतलब 9 बजे, आज कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करवा रहे, तो गाड़ी में आया हूँ, फिर आज व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब इसको एडिट करूँगा, व्लॉग भी नहीं आ रहे चैनल पे, यहाँ पे यार चैनल तो क्या, पहली बार मेरे फ़ोन की बैटरी मतलब 2 दिन चली है इसकी आईफोन की, और 90% चार्ज किया था फिर भी 2 दिन निकाल दिए, क्यों कुछ चलाने कोई नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है, मतलब मेरे को ना कहीं
बैठ के सांस भी ऐसे ले रहा था मैं, जो आराम कर रहा था, टांगों को आराम दे रहा था, कि जैसे मुझे भेजा है ना कहीं पे टेस्ट की रिपोर्ट लेने या टेस्ट के सैंपल देने, तो वो लिफ्ट के लिए जो वेट करते हैं ना कि हाँ लिफ्ट आ रही है, तो वो लिफ्ट के बाहर बैठ के मैं वेट करता था कि जब तक लिफ्ट आ रही है तब तक बैठ रहता हूँ यार, टांगों को थोड़ा आराम देता हूँ, इतना बस वो टाइम था मेरे पास जो मैं बैठ के रेस्ट दे रहा था अपनी टांगों को, वरना मैं घूम ही जा रहा था। बहुत बुरी हालत हो गया, नहाया धोया भी एक ही आज तो नहाया था सुबह, आज तो नहा लिया था सुबह, रात को 3 बजे फ्री हुआ, सुबह 5 बजे सिक्योरिटी गार्ड उठा देता है, और मेरा व्रत भी था आज मंडे था ना, तो सिक्योरिटी गार्ड उठा देता है, 3 बजे फ्री हुआ, फिर मैंने सोचा क्या सोना, थोड़ी देर को सोते हैं ना फिर उसके बाद फिर आधी नींद में उठे तो हेडेक होता है, तो मैं फिर आज तो सोया ही नहीं, कल मैं सोया था थोड़ी सी देर को, फिर सुबह उठ गया था, सुबह से वही भाग दौड़, आज थोड़ा आराम है तो आज आ गया हूँ गाड़ी में, 2 दिन से तो हॉस्पिटल में सो रहा था ऊपर ना पापा के बिल्कुल साथ ही, आज गाड़ी में आया हूँ सोने, लगा के गाड़ी में देखो पर्दे, सीटें करके डाउन, अब लेटा हुआ हूँ और रेस्ट कर लेता हूँ यार, रेस्ट तो क्या मतलब, अब तो ऐसे हो रहा है कि बस पड़ते ही बेहोश, मतलब मेरे को सोने की आदत ऐसी है ना कि अगर मैं लेटता हूँ ना तो मैं डबल बेड पे सोता हूँ, मैं घर पे भी तो कहीं एक हाथ कहीं एक टांग कहीं, मैं ऐसा खुला डुला सोता हूँ, पर 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि जहाँ को उस रात को अगर आधे घंटे की नींद अगर ऐसे हूँ ना तो सुबह ऐसे ही मिलता हूँ, अभी भी मेरे को पता है इतना थकावट है ना इतनी आंखों में नींद, अगर मैं ऐसे जैसे भी लेटा हूँ ना ऐसे हूँ ना तो मैं सुबह ऐसे ही मिलूँगा, इतनी थकावट है बॉडी में। आज सारे फ्रेंड भी आए थे, मतलब पता नहीं कौन सारे आए थे, मतलब सारे के सारे, ठीक है पापा को देखने, तो वो उनसे भी नहीं मिला पाया, मतलब वीडियो भी नहीं बना पाया, उनके साथ शूट भी नहीं कर पाया, अगर उनसे शूट करता तो आराम से एक व्लॉग निकल जाता, वहाँ से आने में जाने में जो जो किया हमने, किया गया प्रोसीजर ही पूरे कर रहा था, वो भी किसी काम से आए थे, मतलब काम से क्या पापा के काम से आए थे किसी हॉस्पिटल में, तब उनके साथ भी वीडियो नहीं बना पाया, इतनी हालत खराब थी। फ्रेंड के साथ बंदा ऐसा होता नहीं कि हाँ यार थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाता है, वो थोड़ी क्लोजली करते हैं कुछ करते हैं, वीडियो शूट हो जाता है, फ़ोटो शूट नहीं, क्या क्या बोल रहा हूँ, पर कुछ नहीं हुआ, करने का टाइम ही नहीं था, वो उन्होंने भी आए अपना काम किया, मतलब पापा का कुछ पापा के लिए आए थे, काम किया और चले गए वापस, इतना हुआ, और मैं भी भाग दौड़ में रहा, नहीं तो जैसे इंसान अपने फ्रेंड से मिलता है तो हो जाता है ना थोड़ा ठीक हो जाता है, पर कुछ नहीं, बस बिल्कुल हालत ख़राब, मैं तो फ़ोन भी चलाने का मन नहीं था कि फ़ोन भी चलाऊँ, फ़ोन चला ही नहीं रहा था मैं, टाइम ही नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, ये लेके आओ वो लेके आओ, इस डॉक्टर से प्रोटोकॉल लो, वो करो ये करो, बस इस टाइम ये काम था मेरा हुआ, ऊपर से मम्मी ने परेशान कर दिया, फिर मम्मी को थोड़ी हो गई थी ना, मतलब घबरा जाते हैं वुमेन, लड़कियाँ भी घबरा जाते हैं ना जल्दी, तो वो रोए जा रहे थे, उनको देखो पापा को देखो, पर चलो अब ठीक हो गया है, अब पापा रिकवर कर रहे हैं डॉक्टर ने, बाकी देखते हैं आगे आगे कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो भी, नहीं भी लगे प्लीज़ तो भी, अभी थोड़ा चैनल पे नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो, पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और इंस्टा पे फॉलो, बाय बाय, सभी को राम राम मेरी तरफ से, फिट रहो, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, कोर्ट कचहरी से बच के रहो और हॉस्पिटल से बच के रहो, इसलिए फिट रहो, मंदिर जाओ सब कुछ करो, पर खुश रहो और फिट रहो, बाय बाय, राम राम सभी को।